देखिए हमने तो खाली एक टेप जो है वो जो सामने आया था वो बाहर लाए हैं, और टाइम आएगा तो पूरा टेप भी बाहर आ जाएगा। दूसरी बात है देखिए कि हमने शुरू से ही बोला है कि 2 तारीख को हमारे तरफ से प्रशांत किशोर जी को पटना जाने का टिकट गिफ्ट कर दिया जाएगा शाम को। वो जैसे बोल रहे हैं कि अभी भी 100 के नीचे बीजेपी रहेगा, हम भी बोल रहे हैं कि 2 तारीख को हम जब बहुमत हमारा आ जाएगा तो हमारे तरफ समझ नहीं आया क्या टिकट प्रशांत किशोर जी ने बोला था कि अगर हम बीजेपी को 100 से ज्यादा सीट मिल जाएगा तो हम जो है ये बोला था, नहीं आज भी लिख दिया है, अब तो लिख दिया है, आज लिख दिया है तो हम भी बोल रहे हैं। वो पहले चैलेंज किया था ना कि हम ये काम छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे तो हमारे तरफ से टिकट उसको गिफ्ट कर दिया जाएगा वापस जाने का बंगाल से। ये आज आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं। ये देखिए ये सब वैसे ही बहाना है। नीचे का तृणमूल का जो कार्यकर्ता है उसका पूरा हौसला टूट गया है, और वो भी आज इसका जो तृणमूल का जो परिवारवाद का पार्टी चल रहा है उससे छुटकारा चाह रहे हैं। और इसीलिए आज क्या है कि कहीं पे भी वोटर को जब वोट नहीं दिया जा रहा है तो बहुत सारे जगह में उसके लोग भी उसका प्रतिवाद कर रहे हैं कि वोटर को क्यों नहीं वोट दिया जाएगा। आज इसीलिए घबराहट के लिए ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस ने जो हार की आहट है उसको सुन लिया है, और इसीलिए अब ये सारे हथकंडे अपने ठीक है सुब्रमण्यम मैत्रेय जी जवाब देंगे। चार जान चला गया, चार जाने चला गया, कब बंद होगा ये खेला? सुपर्णा मेहोत्रा जी जवाब दीजिए। एक तो वो कह रहे हैं जो उन्होंने बात कही है पूरी की तैयारी है, हताश हो गए हैं आप लोग, कह रहे हैं हथकंडा है कूच बिहार की हिंसा, लेकिन सर ये समझाइए ना सर कि आपके स्ट्रेटजिस्ट थे और वो तो कह रहे हैं कि चाहे वो दलित वोटर हो पूरे राज्य का, चाहे वो मतुआ वोटर हो, वो सब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं ममता के खिलाफ बड़ा गुस्सा है। अंजना जी पहले आपको और तमाम जितने इस अनुष्ठान में हिस्सा ले रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी आपके जरिए करता हूं। इस बातचीत शुरू करने के पहले जो सबसे बड़ा दुखद घटना आज हुई है कि 5 लोगों का मौत हो चुका है और उनपे वॉर किया गया है, और वो जो केंद्रीय बल है उन्होंने गोली चलाया है और 5 का मौत हुआ है। इस ये बहुत ही दुखद घटना आज हमको देखने को मिला में, और जितने भी परिवार जो ये लोग उनके लिए हम प्रकट करते हैं, तो ये मैं पहला चीज कहना चाहता हूँ, और ये चीज बंद होना चाहिए। दूसरी बात है कि सौरभ भाई साहब जो कह रहे थे, देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, और क्योंकि उनका काम है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका वो हौसला अफजाई करे, उनको प्रोत्साहित करे, ये उनका काम है और वो बाखूबी कर रहे हैं, जिनके उसके इसलिए उनके खिलाफ मुझे इस बारे में कुछ कहना नहीं है। दूसरी बात है प्रशांत किशोर जी का जहां तक आवाज थे, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि कब होता है हर पार्टी का अपना होगा। आप भी एक संस्था में काम करते हैं अंजना जी, इतना ऊंचे ऊंचे पद में आप काम करते हैं, आपका भी तो मीटिंग होता होगा कि ठीक है कैसे करके हम आगे बढ़े, आज तक को आगे देखे जाए, वो भी आपको मीटिंग होता होगा। मीटिंग तो अलग बात है सर, सौरभ जी एक सेकंड सुनिए मैत्रा जी जब हम मीटिंग करते हैं पर गलती से इस मीटिंग में दूसरे चैनल के आगे बढ़ने की बात थोड़ी बोल देंगे सर, हमें पता है ना अपनी धमक का, अपने नंबर्स का, देखिए तो ये थोड़ी कह देंगे कि नहीं नहीं वहां तो दर्शक दूसरा चैनल देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर अटके हुए हैं करोड़ों करोड़ दर्शक, हम तो वही बोलेंगे। नहीं अंजना जी वही कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी का जो बातचीत है वो इनका, हम लोग तो बार बार ये मांग कर रहे हैं अंजना जी कि वो पूरा जो बातचीत है आया, दुर्भाग्यवश बीजेपी का जो तरीका हमेशा होता है। ठीक है मैं इस पर रिएक्शन लूंगी, एक बार उनका ऑडियो सही कीजिए सर, आपका ऑडियो बार बार कट रहा है, एक बार ऑडियो सही